जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। हमारे टारगेट एजुकेशन फैमिली के ही एक मेंबर हैं जिनकी ये प्यारी सी क्यूट मैंने आज आप लोगों से डिस्कस किया है। करंट अफेयर शुरू करने से पहले बता दूं, पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ चेंजमेंट किया है, अब वो आगे आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बोलो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बोलो ऐप लॉन्च किया है अभी गूगल ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब ये है क्या बोलो ऐप और ये गूगल ने क्यों लॉन्च किया है? तो नजर डालिए ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज पर, गूगल ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने और समझाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बोलो ऐप, जिसको अभी गूगल ने लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश ये बच्चों को पढ़ाएगी और सिखाएगी। बोलो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। अब यहां पर बात आती है गूगल की, तो कुछ चीजें आप गूगल के बारे में जान लीजिए। गूगल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 सितंबर 1998 में, 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो ये की थी लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने, इन दो व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी। और जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया अमेरिका में। वर्तमान में इसके जो CEO हैं वो कौन है? तो वो CEO हैं भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है सुंदर पिचाई। ये आपको ध्यान रखना होगा इसके बारे में। अच्छा, गूगल की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर में ये गूगल काम करती है वो कौन है? तो वो है अल्फाबेट। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगी लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अल्फाबेट इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गूगल की, जिसके अंडर में ये गूगल काम करता है। तो इतनी चीज़ें आपको गूगल के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो जन औषधि दिवस की अगर हम बात करें, देश के 652 जिलों में 5050 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्रों का एक साथ इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब ये जन औषधि दिवस मनाया गया है, इसमें जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई है और जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ से आप जो दवा परचेस करते हैं, उसके अलावा अगर आप यहाँ से परचेस करेंगे जन औषधि केंद्र से, तो वहाँ पर इसकी अपेक्षा बहुत कम दाम में मिल जाएगी और बहुत रिलायबल दवाएं होती हैं ये, यहाँ से आप इनको ले सकते हैं और ये कम कीमत में उपलब्ध होती हैं। तो इसके लिए अभी इसको इनोग्रेट किया है 5050 जन औषधि केंद्रों को। तो जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। अब मार्च के मैंने आप लोगों से 3 दिवस डिस्कस किए हैं अभी तक में। सबसे पहला डिस्कस किया था 1 मार्च को मनाया गया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, एक दिवस डिस्कस किया था 1 मार्च। फिर दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया था 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, ये दो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। और इसके बाद ये मनाया गया है 7 मार्च को जन औषधि दिवस। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में पता चलती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको लॉन्च किया है जन औषधि दिवस को और ये 7 मार्च को मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50-50 यानी कि 5050 जन औषधि केंद्र का इनॉग्रेशन किया है। हाल ही में किस प्रदेश के आदिवासी जिलों में प्राचीन जनजातीय भाषा गोंडी पढ़ाई जाएगी? तो अभी जो आदिवासी जिले हैं मध्य प्रदेश के, उनमें ये भाषा गोंडी पढ़ाई जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गोंड एक मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है और वहाँ पर गोंड जो भाषा है उसको पढ़ाया जाएगा उन जनजाति आदिवासी जिलों में। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा। गोंड मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है और उसके आदिवासी जिलों में अभी इस गोंडी भाषा को पढ़ाया जाएगा। आदिवासी जिले जहां पर ये निवास करती हैं गोंडी या फिर विभिन्न प्रकार की जनजातियां, तो वहां पर अभी ये गोंडी भाषा पढ़ाई जाने की बात की गई है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। ऑल इंडिया रेडियो की ये न्यूज़ है जिसके बारे में आप देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने इसके बारे में अभी कहा है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मैप में देखिए, मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश। कैपिटल है इसकी भोपाल, जिसको झीलों का शहर कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ, गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11। तो इतनी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन,
हाल ही में देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला किस राज्य ने रखी है? तो अभी देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है उत्तराखंड ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी है, और मंसूरी रोपवे 300 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया जा रहा है, इस रोपवे को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वहां पर इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। अब बात आई है, अच्छा एक चीज और, ये जो यात्रा होगी, ये रोपवे होगा, इस रोपवे से 15 मिनट पर ही पाकुल विलेज द बेस कैंप एट देहरादून मंसूरी, यहां पर पहुंचा जा सकता है जियांग से। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी। अच्छा, अब बात आती है उत्तराखंड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड के बारे में देखिए, कैपिटल है यहाँ की देहरादून, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर की बात करें तो वो है बेबी रानी मौर्या, और लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। मैप में लोकेशन देखिए, ये है उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक चीज़ और कही थी कि मैं आप लोगों को एक्सटर्नल फैक्ट भी कुछ राज्यों के बारे में बताऊंगा। मध्य प्रदेश का नाम आया था अभी, तो मध्य प्रदेश के बारे में तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन उत्तराखंड का बन गया है। यहाँ पर आप लोकेशन ये चीज़ देखिए, धीरे धीरे सभी राज्यों का बना रहा हूँ, काफ़ी हद तक बन भी गए हैं। अब यहां पर देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 19वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 20वें नंबर पे है, और उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.82%, और लिंग अनुपात है यहाँ का 963, जिलों की संख्या है यहाँ पर 13, और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के रमेश रंगनाथन। लोक नृत्य की बात करें अगर, तो लोक नृत्य है यहाँ पर भोटिया, बरादानाती, लांगवीर, पांडव, ये यहाँ पर लोक नृत्य हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिसको हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी जिसको कहते हैं, चमोली उत्तराखंड, यहीं पर स्थित है गोविंद नेशनल पार्क। और साथ ही बांध की अगर हम बात करें तो टिहरी बांध, मनेरा बांध, कोटेश्वर बांध, ये तीनों बांध हैं भागीरथी नदी पर। लखवार बांध, ये भी उत्तराखंड का ही बांध है, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इस बांध से पूछा जाता है, लखवार बांध किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड की यमुना नदी पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये है धौली गंगा बांध, और ये धौली गंगा नदी पर है। तो इतनी चीजें उत्तराखंड के बारे में मैंने लिखी हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लेक्चर को लाइक जरूर करके जाइएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला व्यापार एवं कानून रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी महिला व्यापार एवं कानून रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने, यानी कि वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब यहां पर अब आपके सामने ये महिला व्यापार एवं कानून रिपोर्ट की बात की जा रही है, तो ये है क्या? देखिए, पूरे विश्व में 6 ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं को पुरुषों के समान रूप से व्यापार करने की अनुमति और समान अधिकार मिले हुए हैं। इसी के लिए अभी इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, महिला व्यापार एवं कानून रिपोर्ट। क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछता है कि महिला व्यापार एवं कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन अभी फिर से देखते हैं। वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये इसका मोटो है। और जो जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी, वो हुई थी 1945 जुलाई में। और इसकी वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो वो है IBRD। वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 189 कंट्रीज हैं IBRD एंड 173 कंट्रीज हैं IDMA। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें अगर, तो ये है Washington DC में, जो कि अमेरिका की कैपिटल है। और इसके साथ ही इसकी जो पेरेंट है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी कि इनका एक ग्रुप बना हुआ है, और उस ग्रुप के अंडर में ये वर्ल्ड बैंक काम करता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक एक संस्था के रूप में इन लोगों के अंतर्गत काम करता है। तो इतनी चीजें वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होनी चाहिए। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों के आंसर्स देखते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह 12 मार्च से शुरू होगा? तो यह शुरू होने वाला है ओमान के साथ में, और इसकी कैपिटल है मस्कट, और किंग है यहाँ के कबूस बिन सईद अल सईद, जहां पर करेंसी चलती है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019, इसमें सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है इंदौर को।
कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल और चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ, जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, हाल ही में जारी आईसीसी की महिला ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन है? तो शीर्ष गेंदबाज की बात करें तो ये हैं झूलन गोस्वामी, जिन्हें नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें तो ये हैं स्मृति मंधाना। यहां पर आप देख सकते हैं नीरज गुप्ता जी ने आंसर दिया है, काफी अच्छे से आंसर दिया। अब जैसे यहां पर ओमान का नाम आया था तो ओमान के बारे में कुछ और चीजें अगर आप लिखते तो और भी मजा आ जाता, लेकिन कोई नहीं, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, ऐसे ही आप आंसर देते रहिए। अब यहां पर देखिए, जब भी आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ करे, मैं आप लोगों को एक चीज डिस्कस करूं, आप डायरेक्टली उस पार्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर के आप चीजों को देख लिया करिए। जैसे मैंने पूछा हुआ था यहां पर ओडीआई की रैंकिंग में गेंदबाजी के बारे में तो झूलन गोस्वामी, अब बल्लेबाजी के बारे में पूछा नहीं पता है तो आप सीधे आईसीसी की वेबसाइट पर आइए। अब आईसीसी की वेबसाइट पर यहां पर आप देखिए, ये है ओडीआई बैटिंग रैंकिंग वुमेन्स की, तो यहां पर अब आप देखिए ये है स्मृति मंधाना, ये है ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में, बैटिंग की बात कर रहा हूं मैं महिलाओं की, और ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग की बात करूं तो ये है झूलन गोस्वामी। ये ओवरऑल ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ ही साथ ये तो हो गई ओडीआई की, अब टी20 के बारे में भी देखिए, वुमेन्स में ही T20 में जो बैटिंग रैंकिंग है वो है स्यूजी बैट्स, जो कि न्यूजीलैंड की है, टॉप पर है। और इसके अलावा यहां पर मेगन स्कट, ये है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग रैंकिंग में, जो टॉप पर है। अब देखिए पूनम यादव सेकंड नंबर पे हैं, जो कि इंडिया की है, 707 रेटिंग है इनकी। अब ये अगर किसी भी मैच में अगर अच्छा परफॉर्मेंस कुछ मैचों में करती हैं तो इनका नाम भी ऊपर आ सकता है, इसलिए ये जो लिस्ट है ये बदलती रहती है, और हर हमेशा जब भी बदले एग्जाम के पहले आप गवर्नमेंट की वेबसाइट या फिर पर्टिकुलर उस विषय की वेबसाइट पर जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। आइए आप लेक्चर डिस्कस करते हैं। लेक्चर है अब आपके सामने, हाल ही में सरकार ने कितने रुपए के नए सिक्के जारी करने की घोषणा की है? तो अभी गवर्नमेंट ने 20 रुपए के नए सिक्के जारी करने की घोषणा की है। यहां पर आप देख सकते हैं ये है 20 रुपए का वो सिक्का जिसको अभी लॉन्च किया गया है, और ये 12 कोनों वाला एक सिक्का होगा, और इसको जो विजुअल अंधे दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। यहां पर अशोक का आप ये लोगो देख सकते हैं, और सत्यमेव जयते, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। ये 20 रुपीज यहां पर ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, और इसकी अगर हम बात करें, तांबा, जस्ता और निकिल से इसको बनाया गया है, यानी कि इन धातुओं का इसमें प्रयोग किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा इसको जारी करने की अभी घोषणा की गई है, तो इतनी चीजें आपको इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी ने किस कंपनी पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एनजीटी ने वॉक्सवैगन पर। पर्यावरण के लिहाज से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाने के कारण वॉक्सवैगन पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एनजीटी ने। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल, एके गोयल, जिनकी नियुक्ति हुई थी कुछ ही दिन पहले, और ये एक पूर्व न्यायमूर्ति थे जिनकी रिटायरमेंट के बाद आदर्श कुमार गोयल को एनजीटी का प्रमुख बना दिया गया था। और एनजीटी क्या है? ये जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, यानी कि एनजीटी है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को उठाती है और उसकी देखरेख करती है एनजीटी। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है वॉक्सवैगन का लोगो, और ये वॉक्सवैगन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिस पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अभी एनजीटी ने। ये वॉक्सवैगन एक कार निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश भारत है इसमें शीर्ष पर। तो यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा इस टाइम पर कंज्यूमर, यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट उपलब्ध है, ताकि उन चीजों का खपत कराया जा सके जो भी प्रोडक्शन होता है। तो इस लिहाज से अभी जो लिस्ट तैयार की गई उसमें हमारा देश भारत शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी का 124वां सदस्य देश कौन बना है? आईसीसी क्रिकेट वाली संस्था नहीं है यही, इस आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अभी 124वां सदस्य देश बना है मलेशिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे पहले आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आप देखिए, फिर हम जानेंगे मलेशिया के बारे में।
यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका जो न्यायालय स्थित है वो कहाँ पर है, तो वो स्थित है हेग। हेग कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड में, सॉरी। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इसकी जो वर्किंग लैंग्वेज है वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी 6 है, जिन लैंग्वेज में ये काम कर सकता है। मेंबर कंट्रीज है 124, और 124वां और लास्ट सदस्य देश बना है अभी मलेशिया, जिसकी हम बात कर रहे थे। और प्रेसिडेंट है इनके ये चिली इबोसी ओसुजी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 में, 1998 में, लेकिन इसने वर्क करना शुरू किया था 2002 में। जैसे वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो स्थापना तो हो गई थी 1944 में, लेकिन उसने वर्क करना शुरू किया था 1945 में, इसलिए माना जाएगा 1945 से उसने वर्क किया था। तो इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब बात आती है मलेशिया की। मैप में नजर डालिए, यहां पर आप देख सकते हैं ये है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, ये आप देख सकते हैं। और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो है महाथिर बिन मोहम्मद, 92 ईयर्स ओल्ड, और वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर। जो करेंसी चलती है यहाँ पर वो है मलेशियन रिंगिट। तो इतनी चीजें आपको मलेशिया के बारे में पता होनी चाहिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और किस निजी जीवन बीमा कंपनी ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अभी किए हैं यूनाइटेड बैंक ने HDFC लाइफ के साथ में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अब यहां पर बात आती है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की। तो जब भी कभी नाम आता है तो मैं टैगलाइन आप लोगों से जरूर डिस्कस करता हूं। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन याद रखिएगा, गुड पीपुल टू बैंक विथ। क्या है? गुड पीपुल टू बैंक विथ, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। अब ये इन्होंने समझौता किया है HDFC लाइफ के साथ में, तो HDFC लाइफ से HDFC बैंक की टैगलाइन आपको ध्यान रखना होगा, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ये है टैगलाइन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये है इसकी टैगलाइन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये समझौता किया गया है ताकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जो कस्टमर हैं वो HDFC लाइफ के जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी का लाभ उठा सके, इसके लिए ये समझौता किया गया है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और HDFC लाइफ के बीच में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है कलकत्ता में, और HDFC लाइफ का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जर्मनी के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो अभी जर्मनी के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है वेनेजुएला ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वेनेजुएला में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ ही इसलिए अभी इन्होंने ये आदेश दिया है कि आप यहां से जर्मनी के राजदूत को छोड़ने का आदेश दिया है। अब बात आई है वेनेजुएला की, तो मैप में आप एक बार लोकेशन देखिए, बीचों बीच है हमारी प्यारी सी कंट्री इंडिया, और यहां से चलते हैं हम इस ओर, यहां पर हम आ चुके हैं अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल में। ये जूम करते हैं थोड़ा सा, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल है कैरेकस, और यहां पर जो प्रेसिडेंट है जो यहां पर, वो है यहां पर निकोलस मादुरो। इनका नाम इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ये देश अभी विवादों में रहा है इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने वेनेजुएला नहीं अभी अमेरिका से भी राजनयिक संबंधों को तोड़ने की बात की थी। तो वेनेजुएला की कैपिटल कैरेकास, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है बोलीवर, और एक अदर करेंसी पेट्रो को भी मान्यता दी गई थी, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है निकोलस मादुरो। तो इतनी चीजें आपको वेनेजुएला के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए अब आप आज से आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य देश कौन सा देश बना है? जो भी देश बना हो उस देश के बारे में भी कुछ चीजें आप डिटेल से लिख दीजिएगा और मजा आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी बोलो ऐप जिस भी कंपनी ने लॉन्च किया है उस कंपनी के बारे में आपको जो चीज़ें भी पता हो आप उसके बारे में भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफ़ी विवादों में रहा था वो देश, जिस देश की बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस देश से हमारा कुछ रिलेशन हुई थी अभी। खैर आप लोग आंसर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा भगवान महावीर पुरस्कार अहिंसा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये था फ्रेंड्स हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नेचर को सेव करिएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा ज़रूर जब भी समय मिले। सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हेल्प ईच अदर, सेव द नेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।